मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता का पद परमानेंट। सर प्लीज, सर क्या आपने कार्यकर्ता के यहाँ भोजन किया है और कैसा है? देखिए, आज छिंदवाड़ा की जनता और अपने कार्यकर्ताओं को क्या कर रहे भैया, सर हम लाइन से सर 16.5 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, बम्पर जीत मिली है, छिंदवाड़ा को ही क्यों चुना यहाँ आने के लिए? पहली बार यहाँ हम जीते नहीं, यहाँ हार गए थे। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, जनता का विश्वास भी मिला, जीत नहीं पाए। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ जी के यहाँ बांध दिया था। यहाँ 7 विधानसभा सीटें हम हारे हैं, तो मैं आज इस संकल्प के साथ आया हूँ कार्यकर्ता के बीच में, जनता के बीच में, कि लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। इसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। छिंदवाड़ा से मिशन 29 हमने प्रारंभ किया है, मतलब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीत के उनकी झोली में ढालना है, 29 कमल के फूलों की माला पहनाना है। और इसलिए आज मिशन 29 का प्रारंभ छिंदवाड़ा से किया, और जो उत्साह छिंदवाड़ा में दिखा वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। हम छिंदवाड़ा भी जीतेंगे और बाकी सीटें भी जीतेंगे। बात करें उत्साह बनाने है, 7 सीटें आप यहाँ पे हारे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बात करें इसमें बड़ा हुजूम उतरा, खासतौर पर बहनों का, लाडली बहनों का, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पूरा मध्य प्रदेश हमारा परिवार है। मैं नेता नहीं हूँ, मैं मामा हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ, ये परिवार है अपना। तो उस परिवार के साथ मिले, परिवार का प्यार मिला, तो पूरा परिवार, प्रदेश ही पूरा परिवार है, छिंदवाड़ा भी परिवार है, अब निकलना होगा। भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी वही हम सब के लिए सर्वसम्मति से मान्य होगा। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो काम हमको पार्टी देती वो काम हम करते हैं। अब जाने दो, अब जाने, हेलीकॉप्टर